मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं ये जगदलपुर सिटी छोड़ के कहीं बाहर चले जाऊँ, देखता हूँ गाइस क्या होता है। व्हाट्सअप माई ब्यूटीफुल पीपल्स, अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड तंदुरुस्त होंगे। सो गाइज, आई नो कई प्रो ब्रदर्स मेरे से नाराज़ है बिकॉज मैंने बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं करी और मेरे चैनल से जो वायरल वीडियो थी वो भी मैंने डिलीट कर दी। यार भाई, डिलीट करने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न था भाई, और उसी रीज़न के कारण ना मेरा मूड नहीं बन रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ और अपलोड करूँ। सो गाइज, फिर भी आपका भाई देखिए आज आपके लिए ब्लॉग लेके आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ इस ब्लॉग को भी आप लोग पिछली बार की तरह बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करोगे भाई लोग। तो चले मिलता हूँ मैं आप लोग को अब अपनी हेलमेट के सेटअप पे, और बाकी की बातें करते हैं हेलमेट और बाइक पे। तो यार भाई लोग देखिए, हम लोग फाइनली आ चुके हैं अपनी हेलमेट पे, और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये घर से यहाँ कैसे आ गया। एक्चुअली भाई मेरे को कॉल किया कि शौरन भाई का ना एक्सीडेंट हो गया, तो घर में जो है वो शुरू करने का मौका ही नहीं मिला यार भाई लोग। तो जल्दी से जल्दी मैं अभी बस अपने ग्रुप के पास जा रहा हूँ, देखते हैं यार, आई होप कि उसको ज़्यादा ना लगा हो यार भाई लोग। और वैसे भी यार हमको जो रस राइड का निकले ना उसके लिए वार्निंग मिल चुकी है, और पिछला वीडियो मेरा डिलीट भी हो गया भाई लोग, आप लोग को तो पता ही है यार। तो बड़े बंदे मेरे को यही पूछ रहे थे यार कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रही है, ब्लॉग क्यों नहीं आ रही है। भाई रीज़न तो आप लोगों ने देख ली यार, यार मतलब बंदा अपने रिस्क पे कर रहा है फिर भी यार पब्लिक प्लेस। हाँ गाइस सही है, हम लोग रोड पे ही रेस करते हैं यार, रोड पे ही स्टंट करते हैं, ये भी सही है। उनका भी कहना सही था यार, घर वाले ने भी मेरे को बोला कि ये सब छोड़ दे वैसा वैसा। तो गाइस पता नहीं यार, अब मैं मोटो ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू रख पाऊँगा या नहीं रख पाऊँगा, मेरे को खुद को नहीं पता यार भाई लोग। तो इस वीडियो में कितनी कमेंट आएगी देखते हैं, अगर आप लोग का प्यार रहा तो मोटो ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे यार भाई लोग, हम लोग सिटी चेंज कर देंगे। बिकॉज इस सिटी में तो मेरे को मोटो ब्लॉग करना पॉसिबल नहीं लग रहा है यार भाई, क्योंकि यहाँ पे ना गाइस बहुत गंदा सीन है यार, आज जम्मू से ज़्यादा गंदा मेरे को यहाँ पे लगा यार भाई। जो जम्मू के बंदे बोलते हैं ना मोटो ब्लॉग जम्मू में नहीं हो सकता, सेम कंडीशन यहाँ पे भी है भाई, जगदलपुर में मोटो ब्लॉग पॉसिबल नहीं है यार भाई लोग। तो वो भाई बोला कि मैं अभी बोधघाट चौक पे हूँ, तो चलिए चलते हैं यार जल्दी से। तो NH30 राइडर भी आ चुके हैं भाई, वो लोग उसी दिन आ गए रात को, बट क्या है ना मैं आप लोग को मिला नहीं पाया था बिकॉज मेरे पास उस समय हेलमेट नहीं थी। ना जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है वहाँ पे मोटो ब्लॉग नहीं करने वाला हूँ, वैसी जगह को मैं ना इग्नोर करने वाला हूँ भाई। आप लोग को पहले मैं सिटी राइड दे देता था, बट सिटी राइड आज से मे भी ना मिले कुछ दिनों के लिए। हो सके तो हम लोग गाइस जो है ना सिटी चेंज कर देंगे, अगर आप लोग कमेंट करोगे कि जा बहुत ज़्यादा कमेंट करोगे ना भाई, तो सिटी चेंज करके आप लोग को मोटो ब्लॉग दे दूँगा मैं। मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं ये जगदलपुर सिटी छोड़ के कहीं बाहर चले जाऊँ, देखता हूँ गाइस क्या होता है। घर वालों से बात करी थी बट उस टाइम पे घर वालों का मूड ना गाइस बहुत ऑफ था, तो इस कारण मेरे को अलाउ नहीं किए, मना कर दिए थे सीधा। एक बार फिर से बात करके देखूँगा यार भाई लोग, अगर आप लोगों ने सपोर्ट दिया ना तो हम लोग दूसरे सिटी पर जाके मोटो ब्लॉग करेंगे यार। ये रोड देखिए गाइस मस्त खाली लग रही है, सिटी अंदर भी कई रोड ऐसे होते हैं यार जो बहुत खाली रहती है, बट देख के चलना पड़ता है यार, क्या पता कौन कहाँ से कंप्लेन मार दे, तो सबको आगे पीछे देख के चलनी पड़ती है, पब्लिक को भी देख के चलनी पड़ती है यार भाई, उनको भी हमारे तरफ से कोई इफेक्ट ना होना चाहिए, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शॉर्टकट लेके आ चुके हैं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से सीधा जाएंगे तो भाई लोगों की लोकेशन में हम लोग पहुँच जाएंगे। हम लोग आ चुके हैं बोधघाट चौक, जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई ने हम लोग को यहीं का एड्रेस दिया था, बट वो भाई हमको कहीं दिख नहीं रहे। 2000 years later. ये गिरी यार भाई, ये चेक करो यार, ये गिरी, और इसके पीछे ना भाई सौरन भाई लाके भर दिया। अब सौरन भाई घर चले गया, लेकिन गाड़ी का कंडीशन बहुत गंदा है भाई, ये चेक कर सकते हो यार। इसका हैंडल भी मुड़ गया यार भाई, ये देखो हैंडल भी इसका मुड़ गया है। Oh!
सीट। अबे ओ सीट। ओ भाई 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 गाड़ी चला भाई। श्योर भाई लोग, यहाँ से हम लोग शोरन के पास जा रहे हैं यार। जैसे कि आप लोगों ने क्लिप देखा, ई लेवल का साउंड आता है यार इस बाइक से। बट मेरे को ग्रुप राइडिंग प्लस रस राइड के लिए ऑलरेडी वार्निंग किया गया है भाई लोग, तो मैं तो धीरे ही चलाऊंगा। ये चेक करे भाई, पूरा मतलब यार बंदा पूरा सुपर बाइक वाला फील दे रहे हैं यार। वे फिर कैसे सोचा होगा भाई, थोड़ा देख के चलाओ। कैसे रहा था, कैसे चला रहा था? अरे गिरूंगा ना, समझ लेना मेरी गलती नहीं थी। अरे तो भाई सामने वाला गिरा तो कम से कम तेरे को तो कंट्रोल करना चाहिए, तो उसमें ले जाके भर रहा है। श्योर भाई लोग, अभी हम लोग शोरूम जा रहे हैं यार, देखते हैं शोरूम में कितना खर्चा आता है यार। गिरना तो है यार, बट नई गाड़ी थी यार, फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई थी गाड़ी की यार, फिर एक्सीडेंट हो गया। ये भाई फर्स्ट गियर में पूरा बजाया जा रहा है यार बंदा, साउंड सुन रहे हो यार भाई? ऐसे ग्रुप राइडिंग के लिए मेरे को ऑलरेडी वार्निंग मिल चुकी है। नहीं लगाया, बस यही लगा। क्या चीज बैंड हुआ? श्योर गाइस, दे रही यार, राइट साइड का मिरर टूट गया रहा और वाइजर में स्क्रैच है। तो अभी सोरन बोल रहा है कि मिरर लगा लेते हैं, नहीं तो फिर घर में बहुत डांटेंगे। सो गाइस, अभी हम लोग मिरर लगाएंगे यार, और उसके बाद नाइट में घर घुसाएगा सोरन यार, फिर सर्विस जो है फर्स्ट सर्विस में पूरा कर लेंगे यार। भाई कोई आ ही नहीं रहा है यार, मतलब फ्री सर्विस में कोई नहीं आता है भाई, बस पेड सर्विस में सारे बंदे आ जाते हैं। फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुआ था यार बाइक का, जैसे कि आप लोग जानते ही हो। RS 200, हाँ बस मिरर लगाना राइट साइड का, आईना लग चुके हैं। तो अभी हम लोग एक शांत सी माहौल में जाएंगे भाई, बिकॉज शोरन भाई ना बहुत परेशान हो गया यार, आ चुके हैं दलपत सागर, और वीडियो को एंड करने का टाइम हो गया यार, बिकॉज बहुत ज़्यादा शाम हो गई भाई लोग। तो उम्मीद करते हैं यार आज की ब्लॉग आप लोग को क्या ही पसंद आएगी यार, हम लोग के साथ तो बहुत बड़ा सीन हो गया भाई। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए वी सेफ एंड राइट सेफ भाई लोग।